स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और आप देखते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 29,754 मामले सामने आए हैं तो 153 लोगों की मौत हुई है। औरैया के बीजेपी विधायक रमेश दिवाकर की भी कोरोना वायरस से मौत हो गई। कोरोना से बिगड़ते हालात पर आज मेरठ के मेडिकल कॉलेज में 10 मिनट तक अटकी रही कोरोना संक्रमित मरीजों की सांसें। ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा तो तीमारदारों में छीना छपटी मच गई। यूपी में दम तोड़ती स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। इटावा के जिला अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं मिलने से 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई, 3 लोगों की हालत गंभीर है। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद माऊ सदर के बाहुबली विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी से आजमगढ़ पुलिस पूछताछ की तैयारी कर रही है। सोमवार को टीम बांदा जेल जाएगी। कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए यूपी के अंदर आज शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। कुछ जरूरी सेवाएं ही खुली रहेंगी। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों के लिए बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।